नमस्कार, आप लोग हैं अभी चंडाक वाली रोड में। ये उल्का देवी हमने क्रॉस कर दिया है और अभी हम ललदा की थार में हैं। इंजॉय करते हुए जा रहे हैं अभी हम क्या कहते हैं चंडाक में, जहाँ पर वो व्यू पॉइंट है जहाँ पर हमारा इंडिया का फ्लैग लगा हुआ है, वहाँ पर जाके हम वहाँ से पूरा पिथौरागढ़ का व्यू दिखाने की कोशिश करेंगे आपको कि दिवाली में किस तरह का व्यू दिखता है यहाँ से। और दिवाली में सबके वहाँ लाइटें लगी हुई हैं तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, तो इस वजह से हमने सोचा कि एक बार वहाँ जाना चाहिए हमने और वीडियो बनाना चाहिए। तो बने रहिए साथ में हमारे, तो आगे दिखाते हैं आपको यहाँ का व्यू। तो देखिए दोस्तों, फाइनली पहुँच गए हम अभी फ्लैग के पास, मगर फ्लैग अभी दिखेगा नहीं, दिखता है, कोशिश करेंगे दिखेगा, वैसे हवा भी नहीं लग रही और रात भी हो रही है ना, तो दिखेगा नहीं दिखेगा, वो बाहर आके दिखेगा जो भी होगा। देखना हवा ही नहीं लग रही क्या, हंस रहा है सच में भाई, फ्लैग दिखने के लिए हवा लग रही है। चाय बनी है था, चाय बनी है, बढ़िया अदरक वाली बनाओ फिर। हाँ कितनी कितनी, चार 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 चाहिए। हाँ सुबह कितने बजे खोलते हो दुकान? ज्यादा आजकल घर में काम हो रहा है ना। कहाँ के रहने वाले हो आप? बजेटी के। आजकल बहुत ही दिन रहती सब लोग। कतु बज खर्चा बंद? आठ लेट हो गए, साढ़े सात बज रहा है। अच्छा अच्छा, अभी अगले महीने से फिर 9 बजे होगी बंद। भीड़ तो सुबह से रहती होगी शाम तक। तो गाइस देखिए यहाँ से पिथौरागढ़ का क्या नज़ारा दिख रहा है अभी, और हमने चाय के लिए बोल दिया, चाय भी पी लेते हैं आगे, अदरक वाली चाय कैसी बनाते हैं देखते हैं एक बार। देखिए दिखा रहा हूँ मैं आपको यहाँ का नज़ारा, कितनी अच्छी जगमग जगमग लाइटें जली हैं, क्योंकि दीपावली में वैसे तो यहाँ से नज़ारा काफ़ी अच्छा ही लगता है हमेशा पिथौरागढ़ का, बट दीपावली में ज़्यादा और अच्छा इसलिए लग रहा है क्योंकि सबके घरों में लाइटें वगैरह लगी हैं, तो फिर काफ़ी अच्छा लगता है यहाँ से नज़ारा और काफ़ी अच्छा व्यू नज़र आता है यहाँ पर दिन में और शाम को। हमेशा यहाँ लोग बैठने के लिए आते हैं और हम भी इसीलिए आए हैं आज। देखिए यहाँ पर फ्लैग लगता है, बट अभी फ्लैग दिख नहीं रहा होगा अच्छे से क्योंकि वैसे हवा भी नहीं लग रही है और नाइट का समय है। एक किनारे से पूरा व्यू दिखाता हूँ कि किस तरह से नज़र आता है यहाँ पर को। वैसे तो रात है तो उतना खास तो आपको दिखेगा नहीं, फिर भी कोशिश कर रहा हूँ दिखाने की। देखिए मैं यहाँ से पूरा कैमरा एंगल से घुमा रहा हूँ और ये अभी हम आपको जो दिखा रहे हैं ये पूरा ही पिथौरागढ़ है। देखिए कितना प्यारा लग रहा है सच में, बहुत ही प्यारा लग रहा है और मैं इसके लिए कुछ बोल भी नहीं सकता हूँ कि मेरे पास शब्द ही नहीं है सच में बोलने के लिए, इतना अच्छा लग रहा है और दीपावली में बहुत खास कर अच्छा लगता है, इसीलिए मैं यहाँ आया भी था आज। और ये बैठने के लिए यहाँ पर को आप लोग बैठ सकते हैं। देखिए तो दोस्तों देखिए सैंडी द ब्लॉगर भी हमारे साथ थे और ये यहाँ पर आए हुए हैं। सैंडी द ब्लॉगर कैसा लग रहा है आपको यहाँ आगे, किस टाइप का व्यू लग रहा है? काफी अच्छा नज़ारा है इस समय, पिथौरागढ़ काफी खूबसूरत लग रहा है। जैसा कि आप पिछले वीडियो में देख चुके हैं, हम पिथौरागढ़ का जो व्यू पॉइंट है जहाँ पे इंडियन फ्लैग लगा हुआ है वहाँ से सीधे आपको दृश्य दिखा रहे हैं। जगमगाहट बहुत है और भी हमारे मित्र हैं, हमारे साथ में ललदा हैं, ललदा भी आए हुए हैं। ललदा कैसा लग रहा है यहाँ आके अभी? बहुत अच्छा लग रहा है, नहीं लग रहा है व्यू कितना मस्त लग रहा है? मैं यहाँ आया तो पहली बार हूँ रात को, जगमगाहट में आया हूँ तो मजा आया। दिवाली में कितना अच्छा लगता है देखा यहाँ आके। दादा ने गर्मा गर्मा चाय बना दी है यहाँ पर को, इलायची अदरक सब मार के, और काफी अच्छी चाय लग रही है, पी के बताऊंगा अभी कैसी ये करके। चाय पी ले पूरी भाई, चाय यार, चाय बड़ी स्वादिष्ट हो रही है और सर्दियों का मौसम है, इसमें जो है इलायची अदरक का जो है काफी अच्छा मिश्रण है, गले को खोल दिया है इसने और तरोताजा कर दिया है, बिल्कुल एक्टिविटी जो थी हमारी और एक्टिव हो चुकी है, एनर्जेटिक हो चुके हैं हम लोग। और जैसा कि पुराने ब्लॉग में भी फिलहाल दिखाया, और ऐसे व्यू में व्यू पॉइंट में आके कितना मजा आता है ना चाय आई पीने का। तो पीछे जैसे खूबसूरत नजारे दिख रहे थे दीपावली का समय, लाइट वगैरह दिख रही होंगी हमारे यूट्यूब परिवार को। मुझे तो मुकेश भाई बहुत दिखा रहे हो, खुद बताओ कैसा है यहाँ का नजारा? अरे चाय के साथ नजारा और मस्त है, मतलब नजारा तो है ही मस्त है। दादा की चाय पियो ठंडे में शाम को, दादू मेरे को पहचानेंगे नहीं, सबसे पहले दादू का ऊपर जो था ब्लॉग मैंने बनाया था जिस समय ये यहाँ पे उद्घाटन हुआ था ना, फर्स्ट वाला ब्लॉग। बहुत मेहनत करते हैं, मेहनती हैं बहुत ज्यादा, साढ़े सात हो चुका है अभी तक, इधर यहाँ से गए नहीं है
और आज तो बोल रहे हैं कि दिवाली के टाइम पे ज्यादा टाइम पे भीड़ हो रही थी, इस वजह से नहीं जा रहे। सही बात, तो अभी तक चले जाते। लेकिन यार काफी अच्छा भी है ना, पब्लिक भी बैठी हुई है यहाँ पे। सही है, सीमांत एरिया है और ऐसी जगह पे लोगों का आना जाना अच्छी बात है। हमको आगे यहाँ सभी लोग बैठते हैं और काफी एंजॉय करते हैं, चाय वाय पीते हैं, अंडे वंडे सब बनाते हैं। सही बात, मैगी वैगी अंडे सारा चीज है, मतलब जो जो आप लोग यहाँ पर फास्ट फूड खाते हैं, छोटी मोटी चीजें सारी कुछ है। आप आइए और एंजॉय कीजिए यहाँ। बिल्कुल, तो देखिए हम लोग वापस अब यहाँ से निकल पड़े हैं घर की तरफ और सामने गाड़ियाँ लगी हुई हैं।